अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में करनी टाइल्स द्वारा स्वच्छ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डायरेक्टर परमेश्वर सिंह चारण ने बताया कि 500 यूनिट रक्तदान होने की संभावना है। शाम 5 बजे तक रक्तदान हुआ। युवा ने भारी जोश से रक्तदान देने के लिए आए। रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में युवा लोग व महिलाओं ने भाग लिया और वीरेंद्र सिंह चारण ने बताया कि उनकी टीम द्वारा लोगों को जागरूक किया गया कि इसका नतीजा है कि रक्तदाताओं में जोश देखने को मिला। बंसल ब्लड ग्रुप टीम द्वारा एक रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर सुमेर चारण, पीसीसी सदस्य घनश्याम सिंह, सुमेर चारण, परमेश्वर सिंह, भवानी सिंह, नवरतन सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। और हमारा कम से कम टारगेट है 600-700 यूनिट के आसपास की, ताकि ब्लड बैंक को देखें। जो गांवों से जो लोग आते हैं जिनको ज़रूरत होती है, कई बार इतनी परेशानी हो जाती है कि मत पूछिए, तो उनके हित के अंदर हम ये कार्य कर रहे हैं करनी टाइल्स एंड सैनिटरी के उपलक्ष्य में। और कितनी हो जाएंगे सब? अभी करीबन 300-350 यूनिट आ चुकी है और 3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, तो मैं भी करीबन 700-800 यूनिट के आसपास आ जाएगी। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रामजी से आवाज इंडिया की तरफ से इतनी बढ़िया काम आपने कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कालवाड़ में करनी टाइल्स सैनिटरी के जगह में और यहाँ पे रक्तदान शिविर युवा ने उत्साहित करके यहाँ पे रक्तदान शिविर में योगदान दे रहे हैं। अभी मैं करनी टाइल्स के प्रोप्राइटर से बात करेंगे। इन्होंने जो अभी आज स्वेच्छा से ये रक्तदान शिविर किया है, इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। अंदर भीड़ ना करे। डब्लू गोस्वामी, आवाज इंडिया, जयपुर, राजस्थान। सेनेटरी से कांटेक्ट करना, आज इनके नेतृत्व में एक सफलतम आयोजन हुआ है और हम आगे भी हर साल ये आयोजन करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अभी आपने देख लिया यहाँ पे जो हिसाब से यहाँ पे सारे पब्लिक आ रहा है और उत्साह पूर्वक काम कर रहा है, तो इसमें आज महिला दिवस के ये मामला दिखाते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए ये प्रोग्राम चालू है। और अभी आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे जो हिसाब से रक्तदान कर रहे हैं, अभी आप अच्छी तरह से देखिए जो रक्तदान कर रहे हैं यहाँ पे, इन लोग से आपसे बात कराएंगे अभी, ताकि रक्तदान शिविर में इन्होंने आके उत्सव पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। इसमें मैं 2-3 आदमी से बात करके बताएंगे। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, किशनलाल गुजर है। अभी आप स्वेच्छा से यहाँ पे रक्तदान शिविर कर रहे हैं? बिल्कुल स्वेच्छा से, और बहुत ही उत्साह पूर्वक देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, खुश हो रहा हूँ मैं, बहुत खून देकर बहुत खुश हो रहा हूँ रक्तदान देकर। कहाँ से आए? मैं यहाँ से टोंक जिला रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ से रामकुटिया से आया हूँ। ठीक है सर, आपके शुभ नाम? किशनलाल गुजर। किशनलाल गुजर, आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतनी महानता से काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारा चैनल एवं जनता के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपको हमारा यहाँ पे जो ब्लड के कलेक्शन कर रहे हैं, इनसे बात करना चाहता हूँ, इनसे बात कराइए। मैडम आप बताइए, आप कौन सी सेंटर में आए? सर मैं बंसल ब्लड बैंक से आई हूँ। और ये बताइए कि यहाँ पे कितना यूनिट अभी तक हो गया? सर अभी यहाँ पे 80 यूनिट के समथिंग हो गया। और कितनी यूनिट के? 200 तक का टारगेट है। युवाओं को देख के लग रहा है कि 200 प्लस हो जाएगा। 200 प्लस हो जाएगा। धन्यवाद आपके चैनल के, बंसल चैनल, बंसल ब्लड बैंक, बंसल ब्लड बैंक
बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आवाज़ इंडिया की तरफ से और महिला दिवस के आज इन्होंने आपने एक महिला होके इतनी सुंदर और सुचारू से इन्होंने अपना काम कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने 80 आदमी के ब्लड ले चुके हैं और 200 का टारगेट है। डब्लू गोस्वामी, आवाज़ इंडिया, जयपुर।